गुरु, इसलिए कहते ने गुरु की प्रसन्नता लो। महापुरुषों ने दास को यही कहा था, संगत की प्रसन्नता गुरु की प्रसन्नता है, संगत की प्रसन्नता ले ले, गुरु प्रसन्न हो जाएगा। प्यार से बोलिया धन गुरु नानक। और ये सबके लिए है, कोई कार्य अटका हो, आपका काम ना हो रहा हो, ये गुरु नानक पातशाह के वचन भी है, बाबा नानचंद जी के वचन है, कई बार और ये बहुत लोगों ने आजमाया है, 101% कारगर तरीका है ये। आपका कोई कार्य ना हो रहा हो, कहते थे संगत को घर के चरण डलवाओ, जो अमृत लौटती हो संगत नाम जपती हो उनके चरण अपने घर में डलवाओ बेनती करके, एक सुखमनी साहब जी का पाठ करा लो सारे बैठ कर मिलकर। कहते थे सारे कार्य रास हो जाते, 9 निधियाँ 18 सिद्धियाँ वहाँ पर आ जाती जहाँ संगत आ जाए, संगत की खुशी हो जाए। और डिटेल में समझाते थे बाबा नानचंद जी। कहते थे कईयों के घर होते बड़े प्यारे, संगत कड़ा प्रसाद ले रही है, हाथ दीवारों पे लगा रही है, पर्दे गंदे हो रहे हैं, सामान खराब हो रहा है, उसके लिए उनको मन को होता है कि संगत सब खराब कर दिया। कहते थे मन में ये ग्लानी मत लाया करो, संगत जितना नुकसान करके जाएगी उतना भला होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये संगत है विच संगत हर प्रभु वस्या जियो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब मिलकर कोई नाम जपते हैं ना, चाहे वो कोई भी हो, वो संगत हो जाती है। उसमें फिर ये मत देखो ये मेरा अपना है, ये पराया, ये दुश्मन है, ये मित्र है। एक तरह से सेवा करो श्रद्धा से उनकी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु प्रसन्न हो जाए, अजूने की अवस्था को पहुंचा देगा, फिर आना नहीं पड़ेगा दोबारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।